साथियों, आप सभी को नवरात्रि की पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे बहुत ही दुखी मन से और आना पड़ा पुनः एक बार कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लोगों ने सवाल किया है और उनके द्वारा आपको कोढ़ी और साला शब्द कह के इस तरह का आपके प्रति संबोधन किया गया है। उनका एक मैसेज भी आया है जिसमें आपके पिछवाड़े तक की बात कही गई है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह के शब्दों से आप लोग बचें और जो लोग इस तरह का संबोधन कर रहे हैं वह भी बचें, क्योंकि इससे आपकी मानसिकता और आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने संस्कारी हैं, इससे यह प्रमाणित होता है कि आप संस्कार विहीन हैं, क्योंकि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उसी को गाली दे रहे हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। और मैंने कहा था ना कि 5 अप्रैल के बाद और 5 मई तक आपका जो समय है उस बीच में आपका काम हो जाएगा। मैंने कल एक संगठन जो सोमवार को डेलीगेशन जिसकी टीम गई थी वार्ता के लिए, उसका वीडियो भी भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा। और मैं कोशिश में लगा हूँ कि जितने लोग त्रिस्तरीय कमेटी में शामिल हैं उन तमाम संगठन के लोगों से संपर्क किया जाए और सभी एक साथ हैं। जैसे जल संसाधन के प्रदेश अध्यक्ष कृपा नारायण जी हैं, उनके मैं कांटेक्ट में हूँ, और कल का वीडियो आपने देखा ही होगा श्री मनोज रजक जी का, उनके कांटेक्ट में मैं हूँ ही। वन विभाग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कांटेक्ट में मैं हूँ ही, और बाकी सारे लोगों के से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ और उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं से भी त्रिस्तरीय कमेटी के जो मामले हैं उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, और जब भी कोई कुछ हो तो हम लोग एक साथ सरकार के साथ के पास पहुँचें और अपनी बात को रखें और मजबूत तरीके से रखें। इसीलिए मैं इन तमाम संगठन के लोगों से संपर्क में हूँ और आप सभी का काम होना बिल्कुल तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोगों को अगर शंका है, संदेह है, तो मैं जल संसाधन के अध्यक्ष जी का नंबर एक दिन जारी करूंगा, वह भी अप्रैल में, आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा नहीं कर रहा हूं इसलिए कि अभी त्यौहार का समय है, वह बिजी हैं, तो मैं बाद में आप सभी को वह नंबर बताऊँगा कि जल संसाधन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कृपा नारायण जी का, आप लोग उनसे भी बात कर लीजिएगा। और चूँकि ये ज़रूरी है आपके लिए सही चीज़ जान लेना। आप सभी को पुनः एक बार नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि इस तरह की गाली अगर कोई दे रहा हो, इस तरह की भाषा अगर इस्तेमाल कर रहा हो, तो उसका पूरी तरह आप बहिष्कार करें और आप लोग एकजुट हो जाएं और एक साथ हो जाएं और ऐसे लोगों को किनारे लगाएं। धन्यवाद।